अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज CSS 2020 का फाइनल रिजल्ट आउट हो गया सर, और बहुत सारे लोग सर इसमें कामयाब हुए हैं। जो कामयाब हुए हैं, जो एलोकेट हुए हैं, वो बहुत खुश हैं, और जो एलोकेट नहीं हुए वो आज थोड़े से गमगीन होंगे, दुखी होंगे। उनके साथ हमारी जो नेक तमन्नाएँ हैं साथ हैं इंशाल्लाह, उनके लिए आगे अल्लाह ताला ने बेहतर प्लान रखा होगा, और मज़ीद मेहनत करें उसमें कामयाब। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप एक स्टूडेंट ने थर्ड पोजीशन सिक्योर किया सर, क्या कहेंगे इस बारे में? थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो जी, कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो उनकी एलोकेशन नहीं हो सकी, ठीक है, उनके लिए जो है वो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्योंकि हमें देखें, सिर्फ जो अपने स्टूडेंट्स जिन्होंने सक्सेस अचीव की है, सिर्फ उनको हमें सेलिब्रेट नहीं करना, बिल्कुल जो कामयाब नहीं हो सके हमें उनकी भी डांस बनानी है। बहरहाल आपको पता है खुशी जो है वो गालब आ जाती है, बिल्कुल ऐसे ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो स्टूडेंट है ताजीन जफर, उसने थर्ड पोजीशन ऑल पाकिस्तान अचीव की है, और ये मुझे बड़ी सर खुशी हो रही है कि उसकी जो बड़ी सिस्टर थी वो भी हमारी स्टूडेंट थी, माशाल्लाह, एंड शी सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है। और दोनों जो हैं उनकी सर पहली अटैम्प्ट थी, दोनों फर्स्ट अटैम्प्ट थी। अच्छा, इस पर हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर उन दोनों का मतलब सक्सेस के पीछे किस चीज़ का बड़ा हाथ है। तो मैं उनकी जो मदर हैं, अगर वो मुझे सुन रही हो, तो दिस होल क्रेडिट गोज टू सर देयर मदर, वेरी गुड, माशाल्लाह से। मतलब उसकी उनकी जो वालदा हैं, उन्होंने जो लिटरली जिनको कहते हैं ना रातें जाग जाग कर साथ जो है वो उनको सपोर्ट किया बच्ची को, ठीक है। एक इंजीनियर है और जो ताजीन है शी इज़ अ डॉक्टर, और अभी उनकी हाउस जॉब चल रही थी और उसके दौरान ही उन्होंने अपनी अटेम्प्ट दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ सक्सीडेड इट। अब उसमें आपका राइट गाइडेंस का होना, इसमें राइट आपकी जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन का होना, ठीक है, और इस समय का डेडिकेशन जो है, ये तीन मेजर मैं कहूँगा कि ये तीन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं जिनको आप क्या कहते हैं, जो आपकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और एक थोड़ी सी मैं यहाँ पे ये बात करूँगा कि देखिए, ये आपकी पूरी लाइफ की सारी ये अचीवमेंट है। आप बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास कोई खुदा माफ़ करे कि पैसे फजूल हैं और आप ज़ाया करें, नहीं यार, मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए कुछ लोगों के लिए 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होगी। मैं 1 लाख भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 50-60 हज़ार के अंदर पूरी पूरी कोचिंग बेहतरीन अकेडमीज़ के अंदर मिल जाती है। आप सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते, तो आप कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। आप ये आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। खैर सर, अभी हम फर्दर जो है रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। सर एक तो मुझे हमें ये बताएं कि सीट्स कितनी आई हैं और एलोकेट कितने लोग हुए हैं, और इसमें देखने में ये आया, आप अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि माइनॉरिटीज़ की सीट्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि वैकेंट रह गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सर उसमें देखें जी, ओवरऑल जो रिटर्न का स्कोर था सर वो था 376, ये मुझे अगर आप दें, आपके पास जो पेज है अभी 376 सर ओवरऑल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे, लेकिन जो एलोकेट हुए हैं वो हार्डली कुछ 221 कैंडिडेट जो है एलोकेट हुए हैं। इसमें से पंजाब का जो कोटा है वो सिर्फ 118 है, पंजाब के कुछ 285 के करीब स्टूडेंट्स पास थे। अच्छा, ठीक है। अब पंजाब की जो सीटें हैं सर, वो तो जो यहाँ पे मैं सीटों का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ सर, जो ब्रेकडाउन है वो हम वहाँ पे वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओपन मेरिट की सीटें 18 हैं, पंजाब की 166 सीटें हैं, लेकिन इसमें से आपको ये हैरानी होगी जान के कि इसमें 48 सीट जो हैं वो सिर्फ माइनॉरिटी हैं, 48 सीट्स, और उसमें से कोई भी एक सीट फिल नहीं हुई, एक भी सीट फिल नहीं हुई इस साल, ठीक है। तो माइनॉरिटीज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पंजाब के अंदर कि वो सिर्फ ये एग्जाम पास करना, ठीक है। इस तरह सर जो आपका सिंध है उसमें 77 सीट है, उसके अंदर भी 10 सीटें माइनॉरिटीज की हैं, और सिंध ये रूरल सिंध अर्बन की जो है वो सर 39 सीट है, उसमें भी 9 सीट माइनॉरिटीज की हैं इसी तरह से, और बाकी फिर वुमेन कोटा भी है, ओपन मेरिट भी है। KPK की सर 47 सीट्स हैं, बलूचिस्तान की 69 सीट्स हैं, जिसमें से हार्डली सर हमने को कैलकुलेशन किया कुछ 6 से 7 लोग सेलेक्ट हुए हैं, और GB फाटा की जो है वो 24 सीट्स हैं, AJK की जस्ट 7 सीट्स हैं। तो ये सर कुछ टोटल जो वैकेंसी थी फॉर ओपन मेरिट कोटा 283 बन रही हैं, टोटल वैकेंसी फॉर वुमेन कोटा 66 बन रही है, और माइनॉरिटीज कोटा 98 सीटें बन रही हैं। तो माइनॉरिटी की अराउंड जो 100 सीटें हैं वो सारी की सारी वैकेंट ही हैं, ठीक है। अच्छा सर ये बताएं कि कॉमन मतलब एक आम शहरी जो एक आम स्टूडेंट है जो इन इंटीग्रिटीज को नहीं समझता, डिटेल में नहीं समझता, अब वो बच्चा सोच रहा है कि जी 400-300 कितने लोग पैसे 64 पास हुए थे, 376 पास हुए हैं, तो सीटें 747 हैं, तो सबको नहीं एडजस्ट करना चाहिए था? नहीं, उसमें देखें जी, ये कोटा सिस्टम है, आपको पता है कि देखें पंजाब के अंदर एजुकेशन बेहतर है,
एज कम्पेयर टू सिंध, स्पेशली जो रूरल है, ठीक है। इसी तरह पंजाब के अंदर भी अगर देखें, अभी तो उस पर भी एक मुहिम चल रही है कि जो सदर्न पंजाब है सर, उसमें जो है एजुकेशन का लेवल वो नहीं है, खासतौर पर वो अंग्रेजी का सबसे ज्यादा मसला यहाँ पे हमें आपको पता है लैंग्वेज का होता है, ठीक है। तो अब वो सीटें, जिस तरह कोटा इसलिए रखा गया है कि जो सर हमारे मार्जिनलाइज सेगमेंट हैं, मतलब जो वो बेचारे जिनको तालीम अच्छी नहीं मिलती, जो बहुत ज्यादा गुर्बत में रहते हैं, जिस तरह खासतौर पर माइनॉरिटीज ताकि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो सके बिल्कुल, ठीक है। वो बेचारे एग्जाम भी नहीं पास कर पा रहे, तो अब ये ऐसा नहीं है कि सीटें खाली हैं तो सारी की सारी फिल हो जाएंगी। अब इसमें वो स्पेशल सीएसएस का है कि उन्होंने शोशा छोड़ा था, ठीक है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। अगर उस पर हो जाता, उस पर कोई 35-40 ईयर्स की एज रख के, तो ये सीटें फिल हो सकती हैं। सिलेबस को भी थोड़ा सा, सिलेबस को थोड़ा मतलब उसमें बड़े रिवाइज ना करें सिलेबस को, लेकिन मतलब आप एज इनहांस कर लें, सिलेबस वही रख लें आप, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा सर, इसमें सर दूसरा एक सवाल ये उभरता है कि अब एक एक बंदा जो है पुलिस सर्विस में एलोकेट हो गया है, डीएमजी में हो गया, या नीचे वाले जो दूसरे हैं, अब इसमें बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, जॉब्स कर रहे हैं, क्या सर ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी सर्विस कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो केपीपीएमएस में है या पंजाब के पीएमएस में, वो ज्वाइन नहीं करता, तो जो एलोकेट नहीं हुए उनके लिए कोई चांस बन सके? हाँ जी सर, इसमें ये होता है कि इसमें कुछ तकरीबन 1.5 मंथ का या टाइम दिया होता है, कभी 40 डेज का देते हैं, कभी 30 डेज का देते हैं, कि उसके अंदर अंदर आपने जो ऑफर लेटर होता है वो क्या करना, एक्सेप्ट करना होता है। अगर वो ऑफर लेटर एक फर्ज किया पंजाब में पीएमएस सर्विस के अंदर क्यों बंदा एलोकेटेड है, और वो उसकी इधर एलोकेशन हो जाती है सीएसएस में भी, फर्स्ट किया पोस्टल में या रेलवे में हो जाती है, और ऑब्वियसली इवन आईआरएस और आईआरएस या ऊपर वाले ग्रुप से भी बात करते हैं, वो नहीं ज्वाइन करते, लेकिन मतलब निचले वाले ग्रुप में तो फॉर श्योर वो ज्वाइन नहीं करेंगे बिल्कुल, ठीक है। जब वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो जिनके पास जो नीचे हैं, जिनकी एलोकेशन नहीं हुई, जो बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब एक दो नंबर नीचे है, उनके पास ऑप्शन जरूर होता है कि वो सीटें वैकेट हो जाती हैं, ठीक है, और वो उनको फिर ऑफर लेटर इशू कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि अब जैसे आपके स्टूडेंट पास हुई हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, डॉक्टर है वो, एक परसेप्शन चली आ रही काफ़ी अरसे से, और जब भी रिजल्ट आता है इस पर बड़ी लंबी डिबेट होती है, और बड़ा एक बायस्ड और अनबायस्ड, मतलब जिस तरह ये फिरदौस आशिक अवान और असिस्टेंट कमिश्नर वाले इशू पे कौम बट गई, इसी तरह उस रिजल्ट में भी कौम बट जाती है। एक वो होते हैं जिनको आप कह रहे हैं कि अभी मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनकी स्कूलिंग, जिनकी बेसिक एजुकेशन या जिनका जनरल रीडिंग उस लेवल की नहीं होती, और एक वो सेक्शन है जो हमारे जो अपर सेटा है, जिसमें सारी सहूलियात होती हैं, अखबार भी अवेलेबल होता है, चैनल्स भी अवेलेबल होते हैं, नेट के रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, पैसे अवेलेबल होते हैं, अकेडमीज अवेलेबल होती हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है। क्या ये ऐसा सीएसएस में है, क्या रिजल्ट में ऐसा शो हो रहा है कि आपने एनालाइज किया पंजाब का, केपीके का सारा? सर इसमें देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, कोटा तो इसलिए रखा गया ना पहले कि तमाम सेगमेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर आपने एक टीम बनानी है और आप टीम के कैप्टन हैं, बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे? बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेलेक्ट करेंगे, बिल्कुल। आप किसी बंदे को इस बुनियाद पे तो सेलेक्ट नहीं करेंगे, यार ये गरीब है, लेकिन उसको अगर अच्छी लैंग्वेज नहीं आती, उसकी पॉलिसी मेकिंग अच्छी नहीं है, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है, उसका आईक्यू बेहतर नहीं है, ठीक है तो आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। आपके पास तो जो स्टाफ आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे तो किस्मत भी आ जाती है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब ये तो अल्लाह की मांड है। यहाँ पे एक छोटा सा मैं लतीफा सुनाऊंगा जिनको मतलब कोई इस पे है, ठीक है। एक बाबा जी बैठे थे, उसके जो मलंग थे उनको पास ना कोई उनका मुरीद जो है ना वो खजूरों का टोकरा लेके आया, आजकल रोजे भी आपको पता है, तो वो मलंग ने पूछा बाबा जी से कि बाबा जी केड़ी मंड पावा, ठीक है ना, मतलब कौन सी तरीके से मैं इसकी तकसीम करूँ, तो बाबा जी ने कहा पुत्र अल्लाह दी वंड पा, मतलब जो अल्लाह ने तकसीम की है उसी तरह से तुम तकसीम करो। बाबा जी ने जाके वो जो मलंग था उसने जाके आगे खजूरें तकसीम की, किसी को ऐसे दो दो पूरे उठा उठा के दे दी, ठीक है, किसी को दो दो लफेड़े मारी, ठीक है ना। बाबा जी कहते हो ये की कर रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हो? अच्छा। बाबा जी तुसी खुद ही क्या कि अल्लाह दी वंड पा, ठीक है, तो अल्लाह की वंड उसने कहा ऐसे ही है, किसी को भर भर के दे रहा है, किसी को चंडे लग रही है, ठीक है। तो ये देखें ये अब, लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी है, ठीक है, मैं आजमाइश है, उसमें आपका भी रोल है कि आप इसमें कितनी डेडिकेशन और कितनी एफर्ट के साथ फाइट करते हैं। मैंने बहुत सारे मतलब सर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल, मैं खुद पर्सनली मेरा बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है, बिलाल पाशा को आप जानते हैं,
ठीक है, उसका बहुत सारे लोग हैं सर, बहुत सारी जगह हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स के जिन्होंने सिविल सर्विस जो है उसको ज्वाइन किया। हमें पहली दूसरी अटेम्प्ट में धक्का खाना पड़ता है, फिर जाके हम दूसरी तीसरी में एलोकेट होते हैं। और सर एक एस्पायरेंट्स के लिए आपने एक फोरम अवेलेबल किया हुआ है आपने, तो क्या नसीहत करेंगे और क्या गाइड करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए फ्यूचर के लिए? अच्छा जी देखिए, इसमें मैं बड़ा क्लियरली मैं खुद विदाउट एनी लगी लपटी के विदाउट मिसिंग माय वर्ड्स, देखिए एक बंदा जो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है उसमें और एक जो पब्लिक सेक्टर की किसी बिल्कुल दूर पार के डिस्ट्रिक्ट की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसी तरह एक बंदा जो CSS के अंदर एक अच्छे टीचर से कोचिंग ले लेता है और जो घर बैठ के तैयारी करने की कोशिश करता है, दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसमें कोई शक ही नहीं है। उसको हो सकता है फिर 2-3 साल लगाने पड़े, वो भी तो देखे ना उसने अपनी जिंदगी के 2-3 साल कीमती फिर जाया करेगा जब ऊपर से जब तैयारी करता बिल्कुल है। आप कुछ करें, आप 6 महीने मजदूरी कर लें, मैं मदद के साथ ठीक है, आप लोन पकड़ लें, ठीक है उधार पकड़ लो सर, उधार पकड़ लें। आप अपनी जात पे 50,000-70,000 रुपया नहीं लगा सकते क्या? ठीक है, आप अच्छे से अच्छे टीचर्स फॉरन ना ज्वाइन करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमें ही ज्वाइन कर लें, ठीक है, आप रिसर्च करें ऑनलाइन, ठीक है, देखें कौन सी फॉरन ना ज्वाइन करें, डेमो लेक्चर्स बेशुमार मिल रहे हैं, ठीक है, 3-4-2-1 डेमो लेक्चर्स देख के जो आपको टीचर पसंद आए उसको ज्वाइन करें। और जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, हमने अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ईद के बाद अपने ऑनलाइन, वी आर द अल्हम्दुलिल्लाह द बेस्ट ऑनलाइन डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन फॉर CSS प्रेपरेशन। आप हमारी क्लासेस को अटेंड करके देखें, हमने अपने जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी रेगुलर सेशंस की डेमो ले सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। सर दूसरा इसमें ये बात है कि हमारे डेमोज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, आपके तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि आपको 30-40% जो आप पढ़ाते हैं वो हमारे YouTube चैनल पे मौजूद है बिल्कुल। इवन हमारा जो हमारी जो डेमोज हैं उसमें हम हर लेक्चर में डिफरेंट टॉपिक करवाते हैं, ऑलमोस्ट 40-50% वो टॉपिक भी पढ़े हुए हैं बिल्कुल। रंजा साहब जितना भी पढ़ाते हैं GK का वो भी पढ़ा हुआ है, इवन और बहुत सारे टीचर्स हैं उनका यूट्यूब सारा कुछ है। अगर कोई शख्स बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही डेडिकेटेडली और इफेक्टिवली अगर वो खुद से तैयारी करना चाहे तो क्या यूट्यूब उसकी मदद कर सकता है? सर यूट्यूब कर सकता है, इसमें मैं ऐसे कहूँ का बिल्कुल मैं निगेट करूँ, ठीक है, वो प्रॉब्लम सर पता कहाँ यहाँ पे आता है, टाइम। देखें आपको टाइम लगेगा, मेरे पास एक बंदा आता है उसने साइंस पढ़नी है, 1 महीने के अंदर तैयारी हो जानी है। और जो आप बात करते होते हैं करेक्टिव फीडबैक की, ठीक है, करेक्टिव फीडबैक भी मिल जाना है, असाइनमेंट्स भी हो जानी है, चेकिंग भी हो जानी है। अब वही ये बच्चा अगर ये खुद से तैयारी करना शुरू करेगा जनरल साइंस एबिलिटी की, हो जाएगी, मैं ये नहीं कहता, ठीक है, कि नहीं होगी, उसको हो सकता है 3 महीने लग जाए, लेकिन जो आप उसकी इवैल्यूएशन इधर कर देंगे, जो वैल्यू एग्जामिनेशन में जाके करवाएगा तो ज़ाहिर है नंबर कम आएंगे सर उसमें, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक तो वो है, दूसरा देखें एक एक्सपर्ट ओपिनियन में एक कंप्यूटर और डॉक्टर में फर्क होता है। बिल्कुल, आपकी एक अपनी ओपिनियन, एक टीचर जो 10-12 साल से पढ़ा रहा है, जो 30-30 साल से पढ़ा रहे हैं, उनकी एक अपनी ओपिनियन है। बिल्कुल, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन CSS तो है ही नॉलेज ओपिनियनेटेड एग्जाम है ये आपका, मतलब आपका इसमें ओपिनियन आपकी जजमेंट चेक की जाती है। मिसाल के तौर पर 2-3 छोटी-छोटी एग्जाम्पल देता हूँ, पाकिस्तान जो है कायदे आज़म क्या चाहते थे कि पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट होनी चाहिए कि एक रिलीजियस स्टेट होनी चाहिए, मुझे ये बताएं कि ये अनएंडिंग डिबेट है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अच्छा आप पाकिस्तान हमने हासिल किया था इस्लाम के नाम पर, ठीक है, लेकिन इस्लाम के नाम पे हम इसको कायम नहीं रख सके, कायम नहीं रख सके बिल्कुल, बांग्लादेश बन गया अलहदा से, ठीक है। अब वहाँ पर सवाल आ जाता है क्या कि जनाब ढाका डिबैकल के बाद, बांग्लादेश टूटने के बाद, क्या अभी भी टू नेशन थ्योरी जो है, दो कौमी नजरिया, वो कायम है कि नहीं है? अब इस तरह की जो चीजें हैं इस पे डिबेटेबल है, डिबेटेबल है सर, बच्चे खुद से कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, यूट्यूब पे बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये आपको समझाना चाहूंगा कि देखें अगर एक एक्सपर्ट टीचर के साथ पास कोई बच्चा जाता है, जो सिलेबस होती है, मैं जनरल साइंस एबिलिटी का ही बताता हूँ, मेरे पास वो बच्चा 1 महीने के अंदर पूरा कोर्स कर लेगा, जनरल साइंस भी और एबिलिटी भी, और वो 70-80 मार्क्स भी ले लेगा, वो खुद से करेगा, उसको हो सकता है 3 महीने लग जाए, exactly. 4 महीने लग जाए, मतलब एक टाइम कॉस्ट भी है इसकी, टाइम भी सर देखिए ना आपकी वक्त, टाइम इज मनी एग्जैक्टली, ठीक है, आप अगर आप 2-3 साल लगाते हैं, आप ये सोचें वही साल पहले अगर आप नौकरी में आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है,
फिर आपकी प्रमोशन भी उसी की बुनियाद पे हो रही होती है। Exactly. तो यहाँ पे आपको ये बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ के वाकई बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी एकेडमीज जो हैं वो मेरिट स्कॉलरशिप, देखिए अगर आपके अंदर एबिलिटी है ना तो आप एबिलिटी हमें अपनी प्रूव करें, ठीक है, हम आपको पढ़ाने को तैयार हों, हमें पता हो कि आप पास कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपको अलग में भी हमें पढ़ानी है तो फिर हम कहेंगे भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, आज आपने मुझे होस्ट बनने का शर्फ बख्शा और आपने बतौर मेहमान जो ना हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारा स्टडी रिवर का प्लेटफॉर्म अगर आपने ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप के तमाम जॉब्स के ग्रुप्स के लिंक्स दिए हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। और वन फाइनल मैसेज आपको मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, CSS का ये जो रिज़ल्ट होता है इट इज़ अ बिग बिग डे, ऐसे जैसे ज़िम्मेदार फसल लगाता है और जिसे उसने फसल काटनी होती है, ठीक है, उसके लिए वो बहुत बड़ा दिन होता है, ठीक है, वो चाहे उसकी मैंगो की फसल हो या चाहे गंदम की फसल हो, तो ये बहुत बड़ा दिन होता है, इसको हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये दिन आपके लिए भी आ सकता है, इसको आप भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दो तीन चीज़ें चाहिए। सबसे पहले डेडिकेशन चाहिए, मैं कहता हूँ ना कोचिंग का मसला है, ना पैसों का मसला है, ना रिसोर्सेज का मसला है, डेडिकेशन का मसला है। अगर आप डेडिकेशन है तो यू कैन डू इट, ठीक है। फिर आपको राइट गाइडेंस चाहिए, ठीक है, देन है कि आपको रिसोर्सेज, तीसरे नंबर पे मैं रखूँगा, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आपका जो फासला है वो ज़रा जल्दी तय हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।